नमस्कार साथियों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने परिभाषिक शब्दावली से संबंधित एक वीडियो अपलोड किया था। उसमें कुछ भाग जो है कट गया है और मैंने वीडियो अभी दोबारा अपलोड किया है, प्लीज़ देखें, धन्यवाद। नमस्कार साथियों, परिभाषिक शब्दावली से संबंधित अगला वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे पास पहला शब्द है इंडेक्स। इंडेक्स इसको बोलते हैं सूचक, सूचकांक, विषय सूची, अनुक्रमणिका सूची या अनुक्रमणिका बनाना। आपको तो पता ही, जब कोई भी आप पुस्तक खरीदते हैं तो उसकी शुरुआत में इंडेक्स होता है, अनुक्रमणिका होती है, विषय सूची होती है, जिसमें बताया जाता है कि कौन सा अध्याय किस पृष्ठ पर है। ओके साथियों, तो ये सब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है इंडेक्सिंग, इसको बोलते हैं सूची बनाना, अनुक्रमणिका बनाना। आगे है इंडिकेशन, इसको बोलेंगे सूचक, प्रतीक या सूचना, संकेत इत्यादि। आगे है इंडेक्टमेंट, क्या बोलते हैं इंडेक्टमेंट, इंडिक्टमेंट भी पढ़ सकते हैं इसको, इंडेक्टमेंट ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन सही रहेगा। अभ्यारोपण, अभिरोपण इसको वाक्य के माध्यम से समझेंगे साथियों। हमारे शहरों में गरीबी आधुनिक समाज पर एक गंभीर अभ्यारोपण है। अभ्यारोपण यानी यहाँ पर हम तात्पर्य लेंगे कलंक, है ना, गंभीर कलंक है ऐसे, या अभियोग है, ये शब्द भी सही रहेगा इसके लिए। ओके साथियों, तो आगे चलेंगे। अगले दोनों शब्द इंपॉर्टेंट हैं। इनडिफरेंट एटीट्यूड, इसको बोलेंगे उपेक्षापूर्ण रुख, उदासीन अभिवृत्ति भी, ये दोनों सही है। आगे है इंडिजिनस स्टोर्स, इसको बोलेंगे देशी माल या देशी सामान। इनडायरेक्ट, इसको बोलेंगे अप्रत्यक्ष या परोक्ष भी कह सकते हैं इसको। आगे है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर आप सभी देते हैं, कोई भी वस्तु आप खरीदें, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स उसको बोलते हैं। आगे है इनडिसिप्लिन, इसको बोलेंगे अनुशासनहीनता। आगे है इंडिस्क्रेशन, इसको बोलेंगे अविवेक, बुद्धिहीनता जिसे कह सकते हैं। आगे है इनडिस्प्यूटेबल, इसको बोलेंगे कोई विवाद नहीं। अभी आपने डिस्प्यूट पढ़ा होगा जिसका अर्थ था झगड़ा, विवाद। इनडिस्प्यूटेबल का अर्थ होगा कोई विवाद ना होना, बिना विवाद के, विवाद रहित, निर्विवाद या अविवाद्य। आगे है इनडिस्टिंक्ट, इसको बोलेंगे अस्पष्ट, इंडिविजुअल, व्यक्ति, व्यष्टि, निजी, व्यक्तिगत। आगे इंडिविजुअली यानी अलग अलग, या इसको व्यक्तिशः भी बोल सकते हैं, अलग अलग व्यक्तियों की राय, इंडिविजुअली। आगे है इंडोर पेशेंट, इसको बोलेंगे आवासीय रोगी, भर्ती होना। आगे है इंडक्शन, इसको बोलेंगे शामिल होना, शामिल करना, प्रवेश या समावेश, प्रवेशन आदि कह सकते हैं। इंडक्शन कोर्स, इसको बोलेंगे प्रवेश पाठ्यक्रम। इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, औद्योगिक दुर्घटना, जैसे कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, जिसमें हजारों लोग जख्मी हुए थे, और कह सकते हैं वो जो खतरनाक गैस थी फैक्ट्री से लीक हो गई थी, जिसमें कई लोगों की जाने गई। आगे इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, इसको बोलेंगे औद्योगिक क्षमता। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, औद्योगिक विवाद। इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण, औद्योगिकीकरण या औद्योगिक, अभी हमारा जो औद्योगिकीकरण का ही है, नए नए उद्योग खुल रहे हैं, कारखाने खुल रहे हैं, जैसे इंडस्ट्रियल स्ट्रेटजी, इसको बोलेंगे औद्योगिक कार्यनीति। अगला है साथियों इंडस्ट्रियस, इसको बोलेंगे, अच्छा इंडस्ट्रियस अलग चीज़ है, इंडस्ट्रियल हम पढ़ सकते हैं इसको, औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकीकरण, है ना। स्ट्रैटेजी, देखिए ये वाला पीछे वाला शब्द इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी, इसको बोलेंगे औद्योगिक कार्यनीति। स्ट्रैटेजी यानी हम जो कार्यनीति बनाते हैं, ठीक है, कि हमारा इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री कैसे एक स्ट्रैटेजी बनाकर, कार्यनीति बनाकर सफल हो सकती है, अच्छा व्यापार कर सकती है, वो सब चीज़ें आ जाती है। लेकिन इंडस्ट्रियस ये शब्द अलग है, इसका अर्थ होता है साथियों परिश्रमी, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं अध्यवसाय। ओके, आ गया इंडस्ट्री, इसको हम बोल देंगे उद्योग या अध्यवसाय। ओके साथियों, तो इंडस्ट्रियस उसका अलग अर्थ है। आगे इनफेक्टिव, इसको इनफेक्टिव बोलते हैं, प्रभावहीन, निष्प्रभावी, अप्रभावी। आगे है इनएफिशियंसी, इसको बोलेंगे अदक्षता, क्या बोलेंगे साथी, अदक्षता। देखिए साथियों इनएफिशियंसी, एक होता है एफिशियंसी, एफिशियंसी का अर्थ होता है दक्ष, निपुण है जो, इनएफिशियंसी उससे अलग हो गया एफिशियंसी, इन लग गया ना, इन उपसर्ग कह सकते हैं हिंदी में। अदक्षता यानी जो निपुण नहीं है अपने कार्य में, कुशल नहीं है। आगे इनएफिशिएंट, ये भी उसी का ही है, लेकिन ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है, अदक्ष, ठीक है। तो पीछे वाला शब्द इनएफिशिएंसी वो साथियों एक प्रकार से नाउन है, संज्ञा है। ओके, अगला शब्द इन एलिजिबिलिटी, अपात्रता। अगला है इन एलिजिबल, अयोग्य, अपात्र, इसको हम एडजेक्टिव के रूप में लेंगे। जो ऊपर वाला शब्द है वो हम संज्ञा के रूप में लेंगे। ओके, आगे साथियों इनइक्विटी, इसको बोलेंगे असमानता, ठीक है, क्या बोलते हैं, असमानता या असमता। अगला है इनएविटेबल का अर्थ होता है अवश्य होने वाला, अनिवार्य या अवश्यम भावी या अपरिहार्य, अवश्यम भावी या परिणाम। ओके, अगला है साथियों इन एक्सपीडेंट,
इनएक्सपीडेंट इसको बोलेंगे अनुचित असिमिचन। अगला है इनएक्सपीरियंस्ड बिना अनुभव के अनुभवहीन। इनफैक्ट वास्तव में वस्तुतः। इन इनफेरेंस इसको बोलेंगे निष्कर्ष अनुमान अनुमति। ओके तो अनुमिति ये आप साथियों याद कर लीजिएगा इनफेरेंस। अगला है इनफीरियर घटिया निम्नतर निम्न अवर। ठीक है साथियों याद रखना है आपने। और इनफीरियर का जो विपरीत आ जाता है हम इसको बोलते हैं ऑपोजिट है ना। बिलोंग बोलेंगे तो बोलेंगे सुपीरियर। ओके साथियों उच्चतम जिसे हम कहते हैं। बढ़िया आगे बढ़ेंगे साथियों आगे कौन बहुत सारे शब्द हैं ये देखिए। इनफिल्ट्रेट इसको बोलेंगे घुसपैठ करना। कौन करता है ये करते हैं पाकिस्तान के लोग आ जाते हैं भारत में और बांग्लादेश के लोग आ जाते हैं ना। इनफिल्ट्रेट बोलते हैं इसको घुसपैठ करना। आगे इनफिल्ट्रेशन घुसपैठ। तो इनफिल्ट्रेशन ये नाउन की तरह लेंगे हम इसको इनफिल्ट्रेट वो वर्ब की रखते हैं। ठीक है आगे इनफ्लेमेबल स्टोर्स इसको बोलेंगे ज्वलनशील सामान। ओके इन्फ्लेटर विलिंग इसको बोले बढ़ा हुआ बिल। आगे है इन्फ्लेशन इसको इसका साथ आपने इन्फ्लेशन का अर्थ क्या लेना है स्फीति मुद्रा स्फीति। ओके तो इन्फ्लेशन को यदि हम अच्छी तरह से और समझेंगे तो इसको बोलते हैं महंगाई। इन्फ्लेशन को स्फीति मुद्रा स्फीति से शब्द आपने यही याद रखने लेकिन मैं अर्थ बता रहा हूँ साधारण उसका अर्थ होता साथ ही महंगाई याद रखना है आपने गलत नहीं करना। ठीक है महंगाई आगे चलेंगे साथियों अगले पर। अगला है इन्फ्लुएंशियल। ठीक है इन्फ्लुएंशियल इसको बोलेंगे प्रभावी प्रभावशाली। अगला शब्द साथियों अनौपचारिक इसको बोलेंगे इनफॉर्मल इंग्लिश में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सूचना प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी जे 2017 में साथियों आया था टेक्नोलॉजी। ठीक है पता होना चाहिए आपको टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ जाएगा। ठीक है तो बोलेंगे क्या हम सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है अगर साथियों आ जाए आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी तब बन जाएगा सूचना संचार प्रौद्योगिकी। ओके तो यदि आ जाए आईसीटी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी तब बन जाएगा सूचना संगणक प्रौद्योगिकी। आगे चलेंगे अगला शब्द है साथियों इंफ्रास्ट्रक्चर जो काफ़ी सुना होगा इसका अर्थ होता है साथियों बुनियादी ढांचा या आधारभूत ढांचा या आधारभूत संरचना या अवसंरचना। ठीक है तो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि हम बोलते हैं ना कि यहाँ स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है सही होना चाहिए दिल्ली के स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया हो गया है वहाँ जो प्राइवेट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे सरकारी में आ गए दिल्ली में बहुत सारी बातें आपने सुनी होंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर यही होता है साथियों जब क्लासरूम जब स्मार्ट बना दिए जाएंगे ब्लैक बोर्ड वगैरह है ना उसकी जगह पर स्मार्ट बोर्ड आ जाएंगे टीचर को ट्रेनिंग दी जाएगी अच्छे कम्युनिकेशन स्किल हो जाएंगे तो जैसा सब हो जाएगा साथियों। ठीक है बिल्डिंग अच्छी हो जाए। ओके जो वॉशरूम वगैरह है बच्चों के लिए वो साफ़ सुथरे हों और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाते हैं। ओके साथियों साइंस लैब और जो भी लैब्स होती हैं कंप्यूटर लैब अभी तो लैंग्वेज लैब भी चल पड़ा है स्कूलों में सब कुछ हो जाए तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाता है। इसी प्रकार के हॉस्पिटल का हॉस्पिटल में अच्छे बेड मुहैया करवा दें और ठीक है आईसीयू रूम हो जाएं बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे आ जाते हैं जो होता है बुनियादी। आगे चलते हैं साथियों अगले शब्द पर। आगे हैं इन्फ्रिंजमेंट इसको बोलेंगे उल्लंघन अतिलंघन या इन्फ्रिंज इसको बोलेंगे उल्लंघन करना। आप इन्फ्रिंजमेंट का देखें यदि तो वो संज्ञा के रूप में लेंगे इन्फ्रिंज का अर्थ होगा साथियों उल्लंघन जो एक प्रकार से वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाएगा। अगला है साथियों इनफ्रक्चुअस एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर बोलते हैं व्यय खर्च। तो इनफ्रक्चुअस का अर्थ व्यर्थ या निसफल व्यर्थ। ठीक है व्यर्थ व्यय या निसफल व्यय। आगे चलेंगे अगले शब्द पर। अगला शब्द है इनहेरेंट इसको बोलेंगे निहित अंतर्निहित या सहज। अगला है इनहेरेंट इफेक्ट इसको बोलेंगे निहित दोष या निहित कमी अंतर्निहित दोष अंतर्निहित कमी या अंतर्निहित त्रुटि। आगे है इनहेरिट उत्तराधिकार में पाना उत्तराधिकार में मिलना। ठीक है इनहेरिट का मतलब क्या हुआ उत्तराधिकार में मिलना। ओके जैसे कि पहले राजा हुआ करते थे ना उनकी राज सत्ताएं एक राजा का बेटा बड़ा बेटा राजा बनता था। ठीक है जो भी कुशल जिसमें गुण हो कुशलता के निपुण हो जो राजा बनने के लिए उसको बन जाता था उत्तराधिकार बोलते हैं इसको राजा का बेटा राजा बनना। ठीक है उत्तराधिकार में मिलना विरासत में पाना कोई चीज़। ठीक है अगला शब्द साथियों हमारे पास इनहेरिटेंस इसको बोलते हैं विरासत या उत्तराधिकार पैतृक संपत्ति बहुत सारे लोगों को मिल जाती है।
वे कहते हैं हमने मेहनत से कमाई, हालांकि उनको उत्तराधिकार के रूप में मिली। अगला शब्द साथी इनहॉस्पिटेबल कंडीशन, इसको बोलते हैं अत्यंत कठिन स्थिति, ठीक है, दुस्सहाय स्थिति बोल सकते हैं। इनह्यूमन कंडीशन, इसको बोलेंगे अमानवीय स्थिति। अगला है इनिशियल, इनिशियल का अर्थ क्या होगा सर, सबसे पहला, प्रारंभिक, ठीक है, या अध्यक्षर करना। अगला इनिशियल पे प्रारंभिक वेतन कहते हैं। ओके साथियों, तो जैसे कि मास्टर कैडर में आप नियुक्त हो जाएंगे तो इनिशियल पे आपको कितना मिलेगा 3 साल के लिए, 35,400, ठीक है, यानी 35,400, तो इनिशियल पे। अगला साथियों इनिशियल्स, इनिशियल्स का अर्थ होता है साथियों पहला अक्षर, प्रारंभिक अक्षर या अध्याक्षर या पराक्षर। अगला साथियों इनिशिएट, इनिशिएट को बोलते हैं हम शुरू करना, पहल करना, प्रारंभ करना, सिखाना, दीक्षित करना इत्यादि। अगला शब्द है इनिशिएटिव, इनिशिएटिव आपने जो काफ़ी बार धारावाहिक देखे होंगे, काफ़ी बार धारावाहिक मतलब काफ़ी बार धारावाहिकों में जो सब चुना होगा, यदि आप थोड़ा बहुत इंग्लिश जानते तो वैसे ही पता होगा। आगे है इंजक्शन, इंजक्शन होता है व्यादेश, ठीक है, क्या होता है व्यादेश, वाक्य के माध्यम से व्यादेश को समझेंगे साथियों। देखिए कॉपीराइट के उल्लंघनकर्ता को कॉपीराइट सामग्री का पुनर्मुद्रण करने से रोकने के लिए व्यादेश प्राप्त किया गया है। उदाहरण के लिए जैसे मैं अपने चैनल पर कोई वीडियो बनाता हूँ और कोई दूसरा बंदा वो वीडियो चुरा कर अपने चैनल पर अपलोड कर देता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कॉपीराइट क्लेम डाल सकता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास वो शक्ति, मुझे विशेष अधिकार प्राप्त है कि मेरे को कंटेंट को, मेरे को वीडियो को कोई और बंदा ना चुरा पाए, ठीक है, तो व्यादेश, मुझे विशेष अधिकार प्राप्त है। आगे साथियों हमारे पास शब्द है इनलैंड लेटर, इसको बोलते हैं अंतर्देशीय पत्र। अगला है इनलैंड पोस्ट, इसको बोलेंगे अंतर्देशीय डाक भी है। अब ये अंतर्देशीय क्या है इसको समझते हैं। वाक्य पहला देखें, अंतर्देशीय पत्र जिसे इंडोर लेटर बोलेंगे, अंतर्देशीय पत्र के डाक टिकट का मूल्य बढ़ा दिया गया है। अंतर्देशीय मतलब जैसे कि हम किसी अन्य देश में हमारे बैठे किसी साथी को पत्र लिखते हैं या कोई रिश्तेदार को, तो उसको बोलेंगे अंतर्देशीय पत्र, ठीक है। जब भी हम इंटरनेशनल रूप से किसी को डाक भेजेंगे तो उसका मूल्य टिकट का महंगा है, महंगा हो गया, जहाँ पर जो बताया जा रहा है अंतर्देशीय, यानी किसी अन्य देश में। वैसे ही अंतर्देशीय डाक व्यय, व्यय मतलब खर्च, जब भी हम डाक भेजेंगे, ठीक है, कोई भी डाक हो सकते, कोई वस्तु के पार्सल करनी हो उसको भी डाक ही बोल सकते हैं। तो जब भी हम इस तरह की कोई वस्तु भेजेंगे या फिर पत्र भेजेंगे तो उसका जो डाक का व्यय है, खर्च है, वो भी महंगा है। टिकट तो महंगी है ही लेकिन खर्च भी हो गया महंगा। हालांकि वाक्य जहाँ पर और बना के दिया है, देखिए अंतर्देशीय डाक व्यय में लंबे समय से कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, तो बताने का तो यही प्रयत्न हुआ है कि अभी तक नहीं किया है, लेकिन वैसे हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है अभी खर्च, ठीक है। अगला साथी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, इसको बोलेंगे अंतर्देशीय जल परिवहन। ओके, और जैसे कि सऊदी अरब या और अरब की कंट्री जहाँ पर पानी पीने को तो नहीं मिलता है, ज़मीन से निकलता है, तो ज़मीन से सिर्फ क्या निकलता है, तेल निकलता है, तो कहने के तात्पर्य फिर वो अन्य देशों से पानी मंगवाते हैं, तो इसको हम कह सकते हैं इनलैंड रूट, इसको बोलेंगे अंतर्देशीय मार्ग। अगला शब्द साथियों इनोवेशन, इनोवेशन को बोलते हैं नवाचार, नवोन्मेष या नव प्रयोग या नव परिवर्तन। ओके, तो इनोवेशन जैसे कि स्विट्जरलैंड, ठीक है, जैसे और ठंडे देश जो होते हैं, ठंडे देश होते हैं ना साथियों जहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, वो इनोवेशन में बहुत आगे हैं। ओके, तो नवाचार यानी नई खोजें करना, नए अनुसंधान करना। ओके, तो ये सब आगे इनोवेटिव क्वालिटी, इसको बोलेंगे नव प्रयोग के गुण, नवाचार गुण या नव परिवर्तनकारी गुण। आगे हैं इनोपरेटिव, इसको बोलेंगे निष्क्रिय, अपरिवर्तनशील, अपरिवर्ती। आगे हैं इनऑर्डिनेट डिले, अति विलंब, अत्यधिक देरी। आगे इंस्पेक्शन इक्विपमेंट, इसको बोलेंगे निरीक्षण उपकर। अगला है इनपुट आदान निवेश, निविष्ट कह सकते हैं इसको। इंक्वायरी पूछताछ जाँच, इंक्वायरी ऑफिस जांच अधिकारी। इंसर्ट जोड़ना, अंतर्वेशित करना या में रखना जाती। इंसर्शन, इसको बोलेंगे जोड़ा जाना, शामिल किया जाना, मिलाना, अंतर्वेशन। अगला है इन सर्विस ट्रेनिंग, इसको बोलेंगे सेवाकालीन प्रशिक्षण। अगला इनसिग्निफिकेंस, इसको बोलेंगे निरर्थकता। एक होता है ना सिग्निफिकेंस, महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण जिसको सिग्निफिकेंट बोलते, वही शब्द आया था इनसिग्निफिकेंस, ये नाउन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका अर्थ होता है निरर्थकता या महत्वहीनता। आगे हैं इनसॉल्वेंट, इसको बोलेंगे दिवालिया, ठीक है, दिवालिया। ओके साथियों, अगला है इंस्पेक्ट, जांच करना, निरीक्षण करना। इंस्पेक्शन जांच परख निरीक्षण।
अगला है इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता। तो प्रोनाउंसिएशन गलत बोल दिया मैंने, इंस्टेबिलिटी होता है इंस्टेबिलिटी, आपने स्टेबिलिटी पढ़ा होगा, तो आगे लग गया उपसर्ग इन, तो बन गया स्थिरता। अगला साथी इंस्टॉलेशन, ठीक है, इंस्टॉल पढ़ा होगा आपने शब्द, वहीं से बना इंस्टॉलेशन, इसको बोलते हैं प्रस्थान, सॉरी प्रतिष्ठान, ठीक है, प्रतिष्ठापन भी बोल सकते हैं, संस्थापन भी बोल सकते हैं। इंस्टॉलमेंट पढ़ा होगा, किश्त आपने, इसका अर्थ होगा। आगे है इंस्टिगेशन, इसको बोलेंगे उकसाना, इंस्टीट्यूट संस्थान शुरू करना भी कहते हैं इसको। अगला साथी है इंस्ट्रक्शन, अनुदेश बोलते हैं, हिदायत भी बोलते हैं, अनुदेश शब्द हिंदी में पढ़ेंगे इसको। अगला है इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलेंगे प्रपत्र, लिखित भी कह सकते हैं, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट, लेकिन ज़्यादा जो इसका अर्थ लिया जाएगा उपकरण, यंत्र, साधन आदि। अगला साथी हो इंश्योरेंस, इसको बोलेंगे बीमा, इंश्योर बीमा करना, इंश्योर्ड बीमित बीमाकृत। इंटेग्रल, इसको बोलेंगे अभिन्न अविभाज्य, इसको तोड़ा नहीं जा सके। अगला है इंटेग्रेटेड, इसको बोलेंगे एकीकृत। अगला इंटेग्रिटी, सत्यनिष्ठता, अखंडता। इंटेलिजेंस, बुद्धि, असूचना। इंटेलिजेंस टेस्ट, इसको बोलेंगे बुद्धि परीक्षा, बीएड के टाइम में आपने किया होगा। इंटेलिजेबल, सुबोध, स्पष्ट, बोधगम्य। इंटेंट, इंटेंडेंट बेनिफिट, इसको बोलेंगे इच्छित, ठीक है, इच्छित लाभ, अपेक्षित लाभ या अभिप्रेत हित लाभ। अगला है इंटेंस, इंटेंस को बोलेंगे भारी, अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, इंटेंस का अर्थ होता है तीव्रता, प्रगाढ़ता और प्रकर्ष भी इसका अर्थ होता है। इंटेंसिटी ये नाउन के रूप में लिया जाएगा। आगे चलेंगे साथियों, अगला शब्द हमारे पास इंटेंसिव ड्राइव, इसको बोलेंगे गहन अभियान। अगला है इंटेंशन, इंटेंशन होता है मंशा, नियत, अभिप्राय, आशय, इरादा, लेकिन मंशा होना या नियत होना ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, याद कर लीजिएगा। इंटेंशनली, इसको बोलेंगे जानबूझकर, ठीक है, सब्राय, शाश है या इरादा था, ठीक है। आगे है इंटेंशनल, जानबूझकर, ओके, या सभिप्राय, इरादतन कह सकते हैं इसको। आगे इंट्रैक्ट, इंट्रैक्ट बोलते हैं बातचीत करना, विचार विमर्श करना। आगे मैं वही बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। आगे है साथियों इंट्रैक्टिव सेशन, इसको बोलेंगे विचार विमर्श सत्र। अगला शब्द साथियों इंटरसेप्शन, रोक लेना, अंतर अवरोधन या अंतर ग्रहण। अगला शब्द है इंटरेस्ट, इसको बोल के हित, ब्याज, पढ़ा होगा आप लोगों ने, रुचि भी बोलते हैं इसको वैसे। अगर प्रभाषिक शब्दावली है तो रुचि इसका अर्थ नहीं लिया जाएगा, ओके, तो ब्याज अधिक सही रहेगा, ओके साथियों, क्योंकि देखो इंटरेस्ट के लिए तो हम कहते हैं हाँ भाई मेरी रुचि है इसमें, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हाँ इंटरेस्ट का जो असली प्रभाषिक शब्द लिया जाएगा ब्याज, ओके। अगला शब्द है साथियों इंटरफेयर, इंटरफेयर काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने शब्द, नाउन के रूप में लिया जाता है, इसका अर्थ होता है साथियों हस्तक्षेप करना, हाथ डालना, या बीच में आना, बीच में पड़ना, बाधा डालना इत्यादि, ठीक है। आगे शब्द है साथियों हमारे पास इंटरफेरेंस, इसको बोलेंगे हस्तक्षेप, ठीक है, हस्तक्षेप। अगला शब्द है इंटरनेशनल, इसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय। अगला शब्द है इंटरप्रटेशन, व्याख्या, निर्वचन भी कह सकते हैं। इंटेरोगेट, पूछताछ करना, परिप्रक्षण, प्रिपरेशन करना। अगला शब्द है इंटरप्ट, इसको बोलेंगे रुकावट आना, रुकावट डालना, बाधा डालना दे। आपने वो शब्द सुना होगा कई बार, सॉरी टू इंटरप्ट यू, हाँ, क्षमा करिए रुकावट डालने में, ये सब। आगे है इंटरप्शन इन सर्विस, सेवा में व्यवधान। आगे है इंटरवल, अजय तो पढ़ा होगा, अंतराल, अंतर, ठीक है, अंतराल मतलब कोई मूवी आप देखते हैं ना, तो जैसे कि 2 घंटे की, 3 घंटे की मूवी है, लंबी मूवी है, और बीच में इंटरवल आ जाता है कि मूवी आधी हुई, ब्रेक ले लीजिए। अगला शब्द है इंटीमेट, इसको वर्ब के रूप में ले जाएगा, सूचना देना, प्रज्ञापित करना, इसका अर्थ होता है साथियों। अगला इंटीमेटली, इसका अर्थ होता है पूरी तरह से, पूरे मन से, घनिष्ठ रूप से, ओके साथियों। तो ये शब्द हैं इंटीमेट और इंटीमेटली, दोनों अलग अलग शब्द लगते हैं। आगे इनटॉलरेंस, इसको बोलते हैं असहनशीलता, असहिष्णु। आगे है इन ट्रांसिट, इसको बोलेंगे रास्ते में, या मार्गस्थ। अगला है इंट्रिकेसी, इसको बोलेंगे जटिलता। अगला है इंट्रिकेट, इसको बोलेंगे जटिल। इंट्रिग्यू, इसको बोलेंगे कुचक्र, साजिश। अगला शब्द साथियों इंट्रेंसिक वैल्यू, इसको बोलेंगे वास्तविक मूल्य या आंतरिक मूल्य। अगला शब्द साथियों हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन, इसको बोलेंगे आत्मनिरीक्षण या अंतर निरीक्षण, ठीक है,
आगे है इनवैलिड, इसको बोलेंगे अवैध, ठीक है, अवैध या अविधिमान्य, अमान्य भी कह सकते हैं। आगे साथ ही इनवैलिडिटी पेंशन, इसको बोलेंगे अशक्तता पेंशन। आगे है इनवेरिवली, इसको बोलेंगे सदैव निरपवाद रूप से। इन्वेंट्री कंट्रोल, इसको बोलेंगे माल नियंत्रण। अगला शब्द है इन्वेस्टिगेशन, इसको बोलेंगे जांच, अन्वेषण, तफ्तीश, जांच पड़ताल इत्यादि। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, इसको बोलेंगे जांच अधिकारी, अन्वेषण अधिकारी। इन्वेस्टिगेशन, इसको बोलेंगे निवेश। अगला इन्वेस्टर, निवेशक बोलेंगे। इन्विजिलेशन बोलेंगे निरीक्षण, अन्वेषण। अगला शब्द है इन्विटेशन, निमंत्रण, आमंत्रण बोलेंगे। अगला है इन्विटेशन कार्ड, निमंत्रण पत्र। इन्विटेशन टू टेंडर, निविदा आमंत्रण या टेंडर मांगना आदि। ओके, वैसे निविदा आमंत्रण बिल्कुल सही रहेगा। आगे है इनवॉर्ड डाक, इसको बोलेंगे आने वाले डाक या अवाक डाक, आवक डाक। इनवॉइस वीजक बोलते हैं इसको। इनवॉक सहारा लेना, अवलंब लेना। आगे है इरेशनल, इसको बोलेंगे विवेकहीन, अतर्कपूर्ण या तर्कहीन या अतार्किक, जैसे ही रहेगा सभी, ठीक है, इरेशनल। आगे है, आगे शब्द साथ ही हमारे पास इररिकवरेबल, इररिकवरेबल इसको बोलेंगे डूबत या अशोध्य, इररेगुलर, अनियमित। अगला शब्द भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इररिवेलेंट, इसको बोलेंगे असंबंध या असंगत। एक होता है रिलेवेंट, संगत, तो उसी का ही उल्टा आ गया जी, असंगत, इररिवेलेंट। इर प्रत्य सॉरी इर उपसर्ग लग गया ना, तो इररिस्पॉन्सिबल, इसको बोलेंगे गैर रिस्पॉन्सिबल या गैर जिम्मेदार कह सकते हैं। आगे है साथियों इशू डायरी, इसको बोलेंगे निर्गम डायरी, ओके, या निर्गम दैनदिनी, और ठीक है इस तरह से। आगे साथियों इशू ऑर्डर, निर्गम आदेश, इशू प्राइस, निर्गम कीमत। आगे साथियों आइटम, इसको बोलेंगे मद, या आइटम वाइज इसको बोलेंगे मदवार। अगला शब्द है इटिनरेरी, इसको बोलेंगे यात्रा क्रम। तो इस तरह से साथियों हम आई अल्फ़ाबेट से संबंधित शब्द कर चुके हैं। अगली वीडियो में हम जी अल्फ़ाबेट्स को शुरू करेंगे, ओके, और भी बहुत सारे करेंगे, जेड तक जितने भी इंपॉर्टेंट है करवा देंगे भाई, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना है। धन्यवाद साथियों वीडियो पूरा देखने के लिए।